हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज की जो न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो भी बहुत अच्छी है। आप लोगों को पता है कि मोस्टली ओंटेरियो में जो पीआर के रूल हैं वो बहुत ज़्यादा टफ हैं। ओंटेरियो से हर कोई मूव हो रहा है, ओंटेरियो के बाहर जाके पीआर ले रहा है। इनफैक्ट की वर्क परमिट के और भी बहुत सारे स्पाउस वीजा एंड ऑल दैट, ओंटेरियो की प्रोविंस में सब कुछ जो है मुश्किल होता जा रहा है, जिसकी वजह से लोग इधर उधर मूव कर रहे हैं। बट आज का जो पीआर का रूल मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जो पीआर का प्रोग्राम मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसके अंडर आप ओंटेरियो में रहते ही पीआर ले सकते हो। ऑब्वियसली बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, एलिजिबिलिटीज हैं। और इस प्रोग्राम के अंदर एक और अच्छी खबर है कि अभी जैसे बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज भी आ रहे हैं, कईयों का वर्क परमिट खत्म होने वाला है, कईयों का वर्क परमिट खत्म हो चुका है और वो ऑलमोस्ट आउट ऑफ स्टेटस ही हैं। क्योंकि जब आपका वर्क परमिट खत्म हो जाता है, उनके पास एक ग्रेस पीरियड होता है अपनी एक्सटेंशन के लिए या कुछ भी अप्लाई करने के लिए, तो कई लोग उसी ग्रेस पीरियड पे हैं जब बहुत कुछ चल रहा है। तब उनका क्वेश्चन आता है कि क्या मुझे वापस जाना पड़ेगा, मुझे पीआर कैसे मिलेगी, मतलब मैं तो आउट ऑफ स्टेटस हो गया हूँ। तो ये जो प्रोग्राम मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ, इसके अंदर अगर आप आउट ऑफ स्टेटस भी हो चुके हो तब भी आप अपनी पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसलिए मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। अगर मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, किसी चीज को लेकर कोई डिस्कशन करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसका लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम की बायो में भी मिल जाएगा। अब ये जो प्रोग्राम है ओंटेरियो का प्रोग्राम है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ओंटेरियो की गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को पीआर देने का डिसाइड किया है। ओंटेरियो में कंस्ट्रक्शन वर्कर की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसलिए गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम निकाला है कि कंस्ट्रक्शन में अगर आप काम कर रहे हो तो आप इस प्रोग्राम के अंडर अप्लाई कर सकते हो। 31 दिसंबर तक ही एप्लीकेशंस ली जाएंगी और 1000 एप्लीकेशंस गवर्नमेंट ने बोला है कि हम लेंगे। सो पहले जो 1000 एप्लीकेंट्स होंगे उनको ही पीआर मिलेगी इस प्रोग्राम के अंडर। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस प्रोग्राम की अच्छी चीज ये है कि अगर आपका वर्क परमिट खत्म भी हो चुका है और आप कनाडा में इलीगल इस टाइम पे रह रहे हो, आउट ऑफ स्टेटस हो, तब भी आप इस प्रोग्राम के अंडर आपकी पीआर जो है आप लगा सकते हो। बट डेफिनेटली उसकी कुछ रिक्वायरमेंट जरूर है, वो क्या है वो मैं आपको जरा बता देती हूँ। नंबर वन, तो आप कनाडा में जब आए थे, आप कनाडा में एंटर हुए थे, तब आप लीगल स्टेटस पे एंटर हुए होने चाहिए। मतलब कि आपका कोई ना कोई लीगल स्टेटस होना चाहिए जब आप कनाडा आए थे। दो नंबर पे नहीं आने चाहिए इलीगल तरीके से, मतलब नहीं आने चाहिए दो नंबर वाला इलीगल तरीका कोई भी। ऐसा कोई इलीगल तरीका आपने यूज ना किया हो मतलब कनाडा आने के लिए इलीगल तरीका। अगर आप लीगल स्टेटस पे आए थे देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। नंबर दो, आपको कनाडा में रहते हुए पूरे 5 साल हुए होने चाहिए। अगर आपको कनाडा में रहते हुए 5 साल हो चुके हैं देन आप इस प्रोग्राम के अंडर अप्लाई कर सकते हो। और नंबर तीन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर तीन पे आपको उन 5 सालों में पिछले 3 साल का कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, ऑब्वियसली बंदा किसी भी फील्ड में काम करता हुआ होता हो सकता है, बट अगर आप पिछले 5 सालों में से 3 साल कॉन्टिन्यूसली या बीच में जो भी है आपका 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो कंस्ट्रक्शन का है, तो आप इस प्रोग्राम के अंडर एलिजिबल होते हैं। मुझे लगता है बाकी सारी रिक्वायरमेंट तो शायद पूरी कर लेंगे बहुत सारे लोग, बट कंस्ट्रक्शन में काम करना मतलब 3 साल वो मुझे लगता है बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे, मतलब एक्सपीरियंस नहीं शो कर पाएंगे। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि मेरे पास 1 साल का है, 2 साल का है, अगर मैं पिछला मतलब फेक बनवा के कर लूं या जो भी है, तो ये चीज बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगी कि हम मतलब पे स्टब्स बनवा लेते हैं, एक्सपीरियंस शो कर देते हैं। बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि ऐसा कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि इस प्रोग्राम में बहुत कम एप्लीकेशंस ली जाएंगी और मुझे जो लगता है बहुत चीजें भी इसमें फिर चेक होंगी, तो मेक श्योर कि आप ऐसा कुछ मत कीजिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।